हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए ये स्लीव्स का वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से और बनके बहुत ही प्यारा ये स्लीव्स आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है और ये रेगुलर तरीके से जैसे स्लीव्स की कटिंग होती है वैसे ही हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। और इस स्लीव्स की लंबाई जो है वो हमें जितनी भी लंबाई चाहिए आप उतना ही लीजिए। एक्स्ट्रा स्विंग अलाउंस इसमें नहीं लेना है क्योंकि नीचे की तरफ हमें कफ लगाना है तो उससे ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो अब हमें स्लीव्स को इस तरीके से पूरा खोल के फैला के रख लेना है। अब इसका हमें ये बॉटम एरिया नापना है। तो ये देखिए हमारा बॉटम एरिया आ रहा है 13 इंच का। अब हमें 13 इंच का जस्ट डबल हमें एक कपड़ा ले लेना है, एक स्ट्रिप ले लेनी है। जैसे कि हमारा 13 इंच है तो 13 का डबल होता है 26 इंचेस। तो 26 इंचेस का हमने ये कपड़ा ले लिया है, बल्कि एक इंच आप एक्स्ट्रा भी ले लीजिए कि कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए। और इस कपड़े की जो ये लंबाई है ये 3 इंच की है। अब हमें इस कपड़े को ये देखिए डबल फोल्ड करते हुए यहाँ साइड साइड में स्टिच देना है। लगभग आधा इंच की जगह छोड़ते हुए हम यहाँ पर स्टिच देंगे। तो इसमें जो हमें स्टिच देनी है वो एकदम बड़ी वाली स्टिच देनी है, कच्ची सिलाई वाली, जिससे कि हम इसमें फ्रिल्स बना सकें। तो देखिए हमने सिलाई दे दी है। अब ये जो साइड का धागा है इसमें से हमें एक धागा पकड़ के इसे धीरे धीरे से खींचना है। ये देखिए इस तरीके से हम खींचते जाएंगे और इसमें फ्रिल्स बनाते जाएंगे। ये देखिए फ्रिल्स तैयार हो चुकी है। अब हम इसको नाप लेंगे। जितना भी हमारे स्लीव्स का बॉटम था हमें उतना ही इसको नापना है। तो हमारे स्लीव्स का बॉटम था 13 इंच का, तो हमें ये भी देखना है कि ये 13 इंच का होना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर है। अब हम इसे स्लीव्स में अटैच करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा कपड़ा है स्लीव्स का, इसमें हम इस फ्रिल्स को इस तरीके से रखेंगे। ये वाला तरफ जो है ये सीधा तरफ है, सीधे तरफ के ऊपर हमें ये फ्रिल्स को रखना है और इस तरीके से यहाँ पे एक स्टिच दे देना है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे मैं स्टिच दे रही हूँ। जो मैंने फ्रिल्स में स्टिच दे रखा था जस्ट उसी के ऊपर ऊपर हम सिलाई देते जाएंगे। तो फ्रिल्स हमने स्लीव्स में अटैच कर लिया है। अब हम कफ के लिए एक कपड़ा लेंगे। तो ये मैंने कपड़ा लिया है, ये कपड़ा जितना भी हमारे स्लीव्स का बॉटम था उसी के नाप का है। तो हमारा स्लीव्स था 13 इंच का, तो ये देखिए 13 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ये कपड़ा ले लिया है, 14 इंच करीब का, कि कपड़ा आपका कम नहीं पड़ना चाहिए। और इस कपड़े की चौड़ाई 3 इंच की है। अब इसके साथ हम एक बकरम ले लेंगे। तो बकरम की जो लंबाई है वो भी हमें 13 इंच का सेम इस कपड़े के बराबर ही लेना है और जो इसकी चौड़ाई है वो हमें 1 इंच की लेनी है। अब जो इस बकरम का जो शाइनी पार्ट है इसे हम ये देखिए इस कपड़े में इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर एक प्रेस कर देंगे जिससे कि ये इस कपड़े में चिपक जाए। और ये नीचे की तरफ से आधा इंच का कपड़ा छोड़ेंगे हम फोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए ये स्लीव्स के कपड़े को हमने इस तरीके से उल्टा रख लिया है और नीचे की तरफ फ्रिल्स है। अब कफ वाले कपड़े को हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है उल्टी तरफ में और यहाँ पे हम एक सिलाई दे देंगे और सिलाई बिल्कुल हमें आधा इंच की जगह छोड़ते हुए ही देनी है। तो ये देखिए स्टिच हो चुका है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से खोल लेंगे और ये देखिए फ्रिल्स वाले की तरफ हमने मोड़ दिया है और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब ये जो साइड में आधा इंच का कपड़ा हमने छोड़ा था इसे इस तरीके से बकरम के ऊपर लगाएंगे और फिर बकरम तक इसे अच्छे से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम एक स्टिच दे देंगे। आप चाहें तो इस कपड़े को बकरम के ऊपर एक प्रेस भी लगा सकते हैं जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अगर आप चाहें तो आप लेस भी लगा सकते हैं, लेस से इसका लुक और प्यारा आ जाएगा। और अगर लेस नहीं भी लगाएंगे तो भी ये बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए लेस भी हम इस जगह में रखते हुए यहाँ पे एक सिलाई दे देंगे। आप ध्यान से देखिए ये जो कफ है इसके नीचे ये देखिए हमने ये लेस को डाला है और एकदम साइड साइड में एजेस में हमने एक सिलाई दे दी है।
तो ये देखिए, ये हमारा कफ भी अटैच हो चुका है, साथ में लेस भी लग चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा बन के आया है। अब हम इसमें साइड में फिटिंग दे देंगे। तो ये हमने फिटिंग भी दे दी है और ये हमारा स्लीव्स बनके तैयार हो चुका है। आप देखिए कितना प्यारा बन गया है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही सिंपल इजी तरीके से ये बनाया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही नए वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।